-50 डिग्री सेल्सियस बर्फबारी के बीच टटी सेना, रेगिस्तान के 50 डिग्री सेल्सियस में रेत भरी आंधी से जूझते जवान, समंदर के रास्ते आने वाली हर मुसीबत के लिए तैयार नौसेना, अप्रत्याशित मौसम से जूझते जवान, एयरमैन की हिम्मत और लगन, बॉर्डर पे आने वाली हर मुसीबत का सामना करते जवान, तटों की रक्षा में तैनात कोस्ट गार्ड, हवा समंदर और जमीन हर तरफ तैनात देश के बहादुर सिपाही, आजादी के 70 सालों में भारत की तरक्की में आने वाले हर कांटे से लड़े हैं, मुल्क की सेवा को अपना धर्म बनाया है हमने, देश की सेवा के साथ अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के बारे में भी सोचा है आपने, और इस देश के भविष्य के लिए वोट भी तो दिया है आपने। कोशिश हमेशा रहती है कि हमेशा देने की, पर क्योंकि नेवी सर्विस है और हमें सी सर्विस करनी पड़ती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वोट नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि हमारी भी से हो, हमारी भी सुनवाई हो और हमारे इस जन्म सिद्ध अधिकार का हम अपने परिवार जनों के साथ उपभोग कर सके। भारत निर्वाचन आयोग ने आपके लिए पोस्टल बैलेट से वोट करने का प्रबंध किया हुआ है और अब इस सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन आप तक ये बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली भेजने का प्रबंध कर रहा है, जिससे आप तक इसका पहुँचना आसान और तेज हो जाएगा। इस बार जब वोटिंग हुआ था तो इस बार मैंने पोस्टल सर्विस से वोटिंग अपना दिया है, तो ये जज्बा रखने का है कि आप कितना अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपनी डेमोक्रेसी में। आइए देखें कि एक सर्विस वोटर के रूप में आप कैसे वोट दे सकते हैं। क्या बात है यादव, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे पाटिल, मेरी बहन की चिट्ठी है, कहती है कि अब वो 18 साल की हो गई है और वो अपना पहला वोट देने वाली है। इस देश की रक्षा उसके भैया करते हैं, देश के सुनहरे भविष्य के लिए वोट करेगी। क्या बात है, अरे देश की युवा ऐसा सोचने लगी, फिर तो देश का भविष्य उज्जवल होना पक्का है। वैसे तुमने तैयारी की कि नहीं वोट देने के लिए? अरे पाटिल, तुम्हें तो पता ही है कि अभी नया नया फौज में भर्ती हुआ हूँ, तो वोटिंग के लिए कहाँ से समय निकाल पाऊंगा। और मैं ठहरा कानपुर से और मेरी पोस्टिंग यहाँ बॉर्डर पे। अरे भाई, हम सर्विस वोटर्स हैं, निर्वाचन केंद्र खुद हमारे पास चलकर आता है। वैसे तुमने अपने आप को सर्विस वोटर के रूप में रजिस्टर किया कि नहीं? ये सर्विस वोटर क्या होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय सेना में है, वायु सेना में है या जल सेना में है, कोई भी व्यक्ति जो आर्मी एक्ट 1950 के तहत किसी केंद्रीय बल में है, जो भी व्यक्ति स्टेट आर्म पुलिस फोर्स का मेंबर है और अपने राज्य से बाहर पोस्टेड है, या फिर कोई भारत सरकार की सेवा में विदेश में पोस्टेड है, ये सब सर्विस वोटर की कैटेगरी में आते हैं। सर्विस वोटर्स अपनी पत्नी को भी सर्विस वोटर के तौर पे रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर पत्नी सर्विस वोटर के साथ उसके प्लेस ऑफ पोस्टिंग में रहती हो तो? पत्नी से याद आया पाटिल कि दिसंबर में मेरी शादी है और तुमको आना है। अरे अभिनंदन भाऊ, और हाँ, शादी के तुरंत बाद पत्नी को सर्विस वोटर के रूप में रजिस्टर करवाना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सर्विस वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? देखो, ऑनलाइन जाना है www.servicevoter.nic.in पे, उस पे जाके फॉर्म नंबर 2 डाउनलोड करके भरना है। फॉर्म नंबर 2A जो है वो स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए, फॉर्म नंबर 3 विदेश में पोस्टेड ऑफिसर्स के लिए है। इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आता है जिसे भरना बहुत जरूरी है। ये सब भर के रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर अपने यूनिट ऑफिसर के पास सबमिट करना है। पत्नियों को अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आप ही को डिक्लेयर करना है कि आपकी पत्नी सर्विस वोटर के रूप में वोट देंगी। और आपको एक और फैसिलिटी है, प्रॉक्सी वोटर के जरिए भी आप अपना वोट डाल सकते हैं। प्रॉक्सी वोटर मतलब? मतलब तुम अपनी जगह किसी को नॉमिनेट कर सकते हो वोट देने के लिए। उसके लिए फॉर्म है 13F, जिसको कमांडिंग ऑफिसर के पास जाके अटेस्ट करवाना है और प्रॉक्सी के पास भेज देना है। प्रॉक्सी
नोटरी या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाके साइन करेगा और रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देगा। और अगर तुम छुट्टी पे हो तो प्रॉक्सी के साथ जाके फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने जाके साइन कर सकते हो। ये फॉर्म नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से पहले पहुंचना चाहिए। इसका मतलब मैं किसी को भी प्रॉक्सी बना सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भाऊ, ऐसा नहीं है। वो प्रॉक्सी वोट करने के लिए योग्य होना चाहिए और तुम्हारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए। और रजिस्टर नहीं भी है तो रजिस्ट्रेशन करवा देना भाऊ, क्योंकि देश की तरक्की के लिए तो हर एक वोट जरूरी है। जनरल वोटर के तौर पे तो वो ECI के वेबसाइट पे भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, आसान है एकदम। और अगर तुम किसी पीस स्टेशन पे पोस्टेड हो गए तो तुम जनरल वोटर बन सकते हो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन वोट कैसे देंगे? देखो, डिटेल में समझना है तो JCO साहब के पास चलना पड़ेगा। मैं वहीं जा रहा था, चलोगे? हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे। जय हिंद पाटिल। जय हिंद यादव, आओ बैठो। और बताओ तुम दोनों साथ कैसे आना होगा? सर बस यूं ही, रमेश को पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में जानना था तो आपके पास ले आया मैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले तुम लोग ये समझ लो, ये पोस्टल बैलेट सिस्टम किट जो होता है वो हम सर्विस वोटर्स के लिए होता है और भारत निर्वाचन आयोग डाक के जरिए हमारे पास भेजता है। मेरे पास होगा भी तो ये, हाँ ये देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर होता है और ये फार्म 13A यानी डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर होता है, और साथ में दो लिफाफे होते हैं, एक 13B यानी छोटा लिफाफा और एक 13C यानी बड़ा लिफाफा होता है। ये पोस्टल बैलेट पेपर जो है, इस पर तुम जिस भी कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहते हो टिक मार करो, इसे मोड़ कर ये छोटे लिफाफे में डाल दे। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देना होता है कि हम किसी एक व्यक्ति को ही, एक कैंडिडेट को ही अपना टिक मार कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कैंडिडेट को टिक करने पर या कोई दूसरी जगह निशान या साइन होने पर तुम्हारा वोट जो है रद्द माना जाएगा। अब अगला प्रोसीजर ये होता है कि फार्म 13A यानी डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर, इसको भर कर साइन कर दो और अपने कमांडिंग ऑफिसर से इसको अटेस्ट करवा लो और इस छोटे लिफाफे के साथ इस बड़े लिफाफे में इसको डाल दो। अपना जो बैलेट पेपर है ये सही वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे, इसलिए जैसे ही तुम्हें मिले वैसे ही भर करके इसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दो। सर मैं तुरंत भेज दूंगा सर। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास बैलेट को भेजने का प्रबंध कर रहा है, यानी डाक से आने वाला जो समय होता है वो बच जाएगा और हमारा वोट वक्त पे निर्वाचन आयोग तक पहुँच जाएगा। लेकिन सर ये सब मुझे मिलेगा कैसे? देखो, इसे डाउनलोड करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर, यूनिट ऑफिसर या हमसे जुड़े जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास से एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मिलता है, जिसको डालकर ये फॉर्म प्रिंट हो जाता है और ये फॉर्म इंक्रिप्टेड होता है, बिल्कुल सुरक्षित होता है। ना कोई इसे कॉपी कर सकता है और ना ही कोई इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। और डिक्लेरेशन फॉर्म और बैलेट पेपर के साथ, इसके साथ दो स्टिकर प्रिंट होता है, एक स्टिकर फॉर्म 13B यानी छोटे लिफाफे पर और दूसरा स्टिकर फॉर्म 13C यानी बड़े लिफाफे पर चिपकाना होता है। बाकी की प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल पोस्टल बैलेट किट की होती है। इतना आसान होता है सर सर्विस वोटर के लिए वोट देना? सर अब मैं एक भी वोट अपना बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस मुल्क की ताबीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे सवारा। तेरे मुल्क को हर दम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी।
देश को महफूज रखा तूने, उसको सवारना भी है तुझको आज। वतन की मिट्टी पुकारती है, तुझसे अपना हक वो मांगती है। भविष्य इस मुल्क का अब तेरे हाथों में है, तकदीर अब तेरे मुल्क की बस तेरे इरादों में है। तेरे मुल्क को हर दम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। आज ही खुद को एज अ सर्विस वोटर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं।